खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां पुलिस अधीक्षक एहसानंद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम और वाहन चोरी करके कारोबार करने वाले क्रियाशील व चिन्हित किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में एवं अरविंद कुमार क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन में थाना अलागंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। रात्रि समय करीब 2 बजे प्रदीप सहरावत थानाध्यक्ष थाना अलागंज के नेतृत्व में थाना अलागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धर्मपुर पिडरिया मोड़ के पास से अभियुक्त गढ़ रंजीत हरमोद शुक्ला सहजात को 8 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सहजाद उपरोक्त नोएडा में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान करता है तथा वहां आसपास से मोटरसाइकिल चोरी कर उनके फर्जी कागजात तैयार कराकर तथा उनके रजिस्ट्रेशन, इंजन, चेसिस नंबर आदि बदलकर रंजीत पुत्र राजकुमार व हरमोद शुक्ला पुत्र राजेश्वर शुक्ला उपरोक्त दोनों लोगों को देखकर शाहजहांपुर फरुखाबाद हरदोई तथा आसपास के क्षेत्रों में ले जाकर बेचने के लिए दे देता है, जहां आसानी से इन्हें खरीदार मिल जाते हैं तथा जो भी पैसा आता है उसे अभियुक्त गण आपस में बांट लेते हैं। इस संबंध में थाना अलागंज में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। शाहजहांपुर जनपद से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। थाना अलागंज को एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये तीनों जो अपराधी पकड़े गए हैं ये फरुखाबाद, उन्नाव और हापुड़ के रहने वाले हैं। पूछताछ करने के द्वारा बताया गया कि ये मूलतः जो NCR क्षेत्र में वहाँ से ये मोटरसाइकिलें चुराते हैं और यहाँ लाकर इनकी खपत करते हैं, बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। इनसे ये भी जानकारी की जा रही कि ये इसके फर्जी कागजात इत्यादि कहाँ बनवाते हैं, क्योंकि कुछ फर्जी कागजात भी बरामद हुए हैं, तो उसके आधार पर भी इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना अलागंज में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।